अभी लगता है इशू तो चला गया होगा, उसमें फिर से इंजन माल फंक्शन आ गया। What's up everyone, good morning and welcome back to my channel again and आज है ट्यूसडे। तो एक्चुअली मेरे को वीकेंड की राइड पे इशू आया था एक इंजन माल फंक्शन का दोबारा से, जो कि मेरे को दोबारा दिखाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे चला गया है इशू, तो वही मैंने सर्विस सेंटर वाले से बात की कि ऐसे करके मेरे को इशू आया था, तो उन्होंने बोला लेके आ जाओ एक बार चेक करते हैं। जहाँ तक जो अपडेट की बात है, अपडेट मैंने ऑलरेडी लास्ट मंथ करवाया था, उसके बाद इशू तो नहीं आया था, बट अचानक से मेरे को दो इश्यूज जो हैं वो न्यू दिखे हैं। वन इज़ ABS malfunction, द सेकेंड वन इज़ इंजन malfunction। इंजन malfunction का एक्चुअली मेरे को इशू बस डिस्प्ले में आता है, ऐसा कुछ इशू मेजर नहीं है, बट अगेन अगर इस चीज़ को फिक्स कराना है तो आई थिंक TVS R&D के पास में लॉग्स भेजना पड़ेगा। एंड बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास RR 310 है, या जो भी व्यू कर रहे हैं मेरे चैनल को, जिनको सेम चीज़ का इशू आता है, तो काफ़ी जनों ने मेरे से पूछा कि RR 310 में इंजन malfunction का इशू का क्या सीन है। न्यू एनहेंसमेंट की है, तो न्यू एनहेंसमेंट में जो भी इशू आता है एक्सपेक्टेड रहता है, कई चीज़ें टेस्टिंग में क्लियर नहीं हो पाती हैं, और जब जो मार्केट में रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद में कई सारे इश्यूज़ पता लगते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कराया था, उस टाइम पे चला गया था, मैंने एक लॉन्ग राइड लेके देखा, उसके बाद में काफ़ी वीकेंड राइड्स पे भी गया, तब भी नहीं आया। बट सडनली कोई चीज़ ऐसी हुई है जो चीज़ उसको दोबारा से ट्रिगर की है, अब वो पता नहीं, या तो सेंसर का हो सकता था, या फिर आपका नॉर्मली कोई चीज़ ऐसी है जो कोड लॉजिक में ऐसा हो रहा है कि उसको ट्रिगर कर दे रही है। बट अगर ये सेंसर ख़राब रहता, तो सेंसर ख़राब होने की वजह से आपको मतलब ऑल टाइम इशू वो दिखाता ही दिखाता है, ऐसा नहीं होता कि कभी ऑफ़ हो गया, मतलब कभी नहीं दिखा रहा है, कभी फिर दिखा रहा है, तो वो चीज़ नहीं होती। अगर दिखाता तो वो कंटिन्यूस दिखाता, बट ये चीज़ ऐसी है कि सॉफ्टवेयर इशू है, तो सॉफ्टवेयर इशू से कुछ बाइक में इफ़ेक्ट नहीं आता चलाने के लिए, या आपको ABS malfunction आ गया तो उसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है कि भाई ABS तो ब्रेक वाला सीन इशू हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे TVS, पूरा ख़तरनाक है यार यहाँ पे, तो अगर ब्रेक मारना पड़ जाएगा अचानक से बंदा गिरेगा। उसमें फिर से इंजन malfunction आ गया, वो पता नहीं कैसे। मैं लास्ट राइड पे गया और एक दिन चेन का ल्यूब कर रहा था मैं, तो उसमें क्या हुआ, मतलब ऐसे ल्यूबिंग करते टाइम में मेरे को आ गया ABS malfunction, वो तो चला गया पता नहीं कैसे, बट पता नहीं अजीब अजीब सा है, बीच बीच में इशू आता रहता है। और पता लगा है कि वो साइड स्टैंड का इशू है, तो ECU फ्लश करेंगे एंड ECU फ्लश के बाद में वो इशू चला जाना चाहिए, तो वही मेजर था और बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अपडेट अवेलेबल है जो कि 5-6 आवर्स का है, जिससे कि डिस्प्ले में अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो वो सारा चला जाएगा। तो जो भी है, जो स्टैंड का रहता है, स्टैंड है अगर आप हाफ में कभी ओपन कर रहे हो या फिर उसको मतलब ऊपर नहीं किया है प्रॉपरली, तो इशू आ जाता है कभी कभी, तो बाकी बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी और आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट। फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गई आज, अभी लगता है इशू तो चला गया होगा, बट देखना पड़ेगा, एक 5 घंटे वाला अपडेट है वो और कराएंगे अभी आके, अभी तो टाइम नहीं है भाई, 5 घंटे का अगर अपडेट कराने बैठूंगा शाम हो जाएगा, और वो भी पता नहीं रहता, बीच बीच में कुछ और इशू आ जाएगा तो फिर दोबारा से और रुकना पड़ जाएगा। फाइनली उतर गई अपनी बाइक, अभी लेके निकलेंगे। ऑलराइट, तो बाइक अपना सही हो गया है और आई होप अभी इशू नहीं आएगा। इधर का फ्लाईओवर इतना ज़्यादा पतला पतला बना रखा है ना, पूरा ट्रैफिक जाम लगेगा, अगर एक भी अगर बस वस ख़राब हो गया ना, पूरा इतना गंदा ट्रैफिक जाम लगेगा ना। ये देखो यहाँ पे भी लेक है, TVS के सर्विस सेंटर से मेरे घर तक का ही रास्ता बहुत अच्छा है।
यार ये मस्त करा है फोक्सवैगन में, फोक्सवैगन ऐसे लिखा रखा है, मैं भी करूँगा, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग निकलते हैं घर सीधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ऑफ द गियर एंड डिसअपियर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।